हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विल सवी। मैं हूँ सविता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य। तो आज हिंदी साहित्य के क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ऑप्शन ए कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी सरस्वती माधुरी, ऑप्शन सी कल्पना ज्ञानोदय, ऑप्शन डी नवनीत कादम्बिनी। इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। अगला है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन ए लीलाधर जगूड़ी, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन सी हरे प्रकाश उपाध्याय या फिर ऑप्शन डी अखिलेश। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है अखिलेश। अगला है, सूर सागर किस भाषा की रचना है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी ब्रज या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है ब्रज। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी मॉरीशस। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा मॉरीशस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आधा खंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पृथ्वी राज रासो, ऑप्शन बी खुमान रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो या फिर ऑप्शन डी बीशल देव रासो। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है परमाल रासो। अगला है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद या फिर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर ए है नामवर सिंह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है। ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रस खान या फिर ऑप्शन डी विद्यापति। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अष्टछाप के कवि सूरदास हैं। अगला है, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास या फिर बिहारी। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिहारी। अगला है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए रामलला नेहचू, ऑप्शन बी पृथ्वी राज रासो, ऑप्शन सी आल्हा उदल, ऑप्शन डी सतसई। यहाँ जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी राज रासो। अगला है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 4। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर सी है 5। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन ए है भक्ति काल, ऑप्शन बी है रीति काल, ऑप्शन सी है संयुक्त काल या फिर आधुनिक काल। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त काल हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन है लोकायतन, युगवाणी, चितंबरा या फिर स्वर्ण धूली। यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चितंबरा के लिए मिला। अगला है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। ऑप्शन ए है पैसाची, ऑप्शन बी है मागधी, ऑप्शन सी है अर्धमागधी या फिर ऑप्शन डी सौर सैनी। यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौर सैनी। अगला है, पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है। ऑप्शन दिए हैं आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी राज रासो भक्तिकाल की रचना है, सॉरी आदिकाल। अगला है, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास या फिर ऑप्शन डी केशवदास। तो यहाँ पूछा है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि,
तो यहाँ राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर। अगला है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ऑप्शन दिए हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी है मदन मोहन मालवीय, या फिर राजा राम मोहन राय, या फिर महात्मा गांधी। यहाँ सही ऑप्शन ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? भारतेंदु युग, छायावाद, द्विवेदी युग, या फिर छायावादोत्तर युग। इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विवेदी युग। अगला है, ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? ऑप्शन है शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि, या फिर ब्राह्मी लिपि। इसका सही ऑप्शन नंबर डी है, ब्राह्मी लिपि। अगला है, भारोपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है संस्कृत, लौकिक संस्कृत, हिंदी, या फिर अंग्रेजी। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी। अगला है, इन सभी भाषाओं में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी तेलुगु, या फिर ऑप्शन डी ब्रज भाषा। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी है, पाली। अगला है, मराठी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, या फिर ऑप्शन सी शारदा, या फिर ऑप्शन डी कुटिल। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवनागरी। अगला है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी बंगलोर, या फिर ऑप्शन डी हैदराबाद। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई। अगला है, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए सौराष्ट्री, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी देवनागरी, या फिर ऑप्शन डी कुटिल। यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, देवनागरी। अगला है, इस समय हिंदी भाषा का प्रचलित रूप है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, या फिर बघेली। यहाँ राइट ऑप्शन नंबर सी है, खड़ी बोली। अगला है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ऑप्शन दिए हैं लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से, या फिर वैदिक संस्कृत से। यहाँ राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अपभ्रंश से। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी, या फिर तेलुगु। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है, ब्रज भाषा। अगला है, भारत में हिंदी भाषा को किस वर्ग में माना जाता है? ऑप्शन ए है तकनीकी भाषा, ऑप्शन बी है राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी है राजभाषा, या फिर सांकेतिक भाषा। इसका राइट ऑप्शन सी है, राजभाषा। अगला है, हिंदी किस देश में सर्वाधिक बोली जाती है? नेपाल, अमेरिका, श्रीलंका, या फिर भारत। यहाँ राइट ऑप्शन डी है, भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। अगला है, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, जनसंख्या दिवस, हिंदी दिवस, या फिर श्रम दिवस। तो सभी जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, या फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, या फिर 14 सितंबर 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो गाइज, अब हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।